वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब है के सब खारोज़ से होंगे ख़ुशबाश होंगे आज मैं आपके लिए कुंग पाव की रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही आसान स्टेप के साथ थोड़ी सी डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मजे की उम्मीद है क्या सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी तो रेसिपी रेसिपी शुरू से करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जल्द से यहाँ पर को स्टार्ट करते हैं बिसम रहीम यहाँ पर मैंने अराउंड फाइव हंड्रेड ग्राम्स जो है जो है चिकन लिया है बिसम रहीम यहाँ पर चिकन को इस तरह मैंने चंक्स में काट लिया इस तरह लंबे लंबे आपने थोड़े तो से चंक्स काटने हैं और यही एक्चुअली इसका स्टाइल होता है और आप इसको क्यूब्स में नहीं यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पे फिर हम इसको स्टार्ट में मैरिनेट मरिने, करेंगे और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं ऐसे आपको साथ साथ बताते जाऊँगी टू टेबल स्पून यहाँ पर हम लेंगे कॉर्नफ्लोर और इसको साथ ही साथ इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून सॉल्ट हाफ टी स्पून जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर और वन टेबल स्पून शुगर तो जस्ट ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें डालेंगे और इसको मैरिनेट कर लेंगे इसको हाफ एन आवर के लिए आपने मैरिनेट कर लेना इस तरह सारी चीज़ें डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना हाथों की मदद से और इसको आपने रेस्ट के लिए रख देना थर्टी मिनट्स के लिए वन आवर के लिए जितना आपके पास आपके पास इजीली टाइम है तो आपने इसको मिक्स करके रेस्ट पे रख देना तो ये देखिए आफ्टर रेस्ट इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है और फिर हम लेंगे यहाँ पे ऑयल और इसको हम जो है डीप फ्राई कर लेंगे और मजीद इसके ऊपर कोई हम कोटिंग नहीं करेंगे बहुत इसका रिच फ्लेवर आता है इस तरह ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा तो ऑयल को अच्छी तरह आपने गर्म कर लेना है और फिर उसकी फ्लेम को लो कर देना है क्योंकि बहुत छोटे छोटे चंक्स हैं तो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं तो इसलिए आपने ज़रा इनको लो फ्लेम पर करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी से वो फ्राई जो है हो जाएँ तो जस्ट बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन को शेड नहीं चाहिए हमें एग्जैक्टली सेम exactly इनका इसी से तरह कलर चाहिए यहाँ पे पैन में ले लिया है वन टेबल स्पून घी इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे ऑयल घी एज़ पर यू जो भी आपको पसंद है और यहाँ पे लिए हैं हाफ कप एलमेंट्स उनको हमने पानी में भिगो के उनके जो ऊपर से छिलके हैं ये उतार लिए हैं और इसकी जगह आप पेनट्स भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह आप कैशु भी ऐड कर सकते हैं जो भी आप चीज़ पसंद करते हैं जो भी आपके पास ईजिली अवेलेबल है बस वो आप इसमें डाल सकते हैं और इस तरह इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको हिलाते रहना है चमचा चलाते रहना है और आपने इसको लाइट सा बिल्कुल लाइट सा इसके ऊपर पिंकिश सा कलर आएगा मैं आपको अभी दिखाती हूँ देखें एग्जैक्टली ऐसा कलर तो इस स्टेज पर आके हम इसको रिमूव कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं और साथ ही मैंने इसमें पिनट्स भी ऐड किए हैं वो भी इसमें डाल लिए हैं तो यहाँ पे लिया है पैन में एक थोड़ा सा घी अराउंड फोर टेबल स्पून वन टेबल स्पून लहसुन पेस्ट वन टेबल स्पून अदरक का पेस्ट वो डालिया है इसमें और एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह चंक्स में काट लिया है स्क्वायर और दो आ, मीडियम साइज़ की हैं शिमला मिर्च और इनको एक टेम एक मिनट के लिए हमने इनको सोते करना है एक मिनट के लिए प्याज को सोते करना है दैन फिर हमने उसी में शिमला ऐड करनी है और एक मज़ीद एक मिनट के लिए हमने इसमें ऐड करना है शिमला मिर्च को तो यहाँ पे लिया है दो एक कप पानी उसमें डाला है दो चम्मच कॉर्नफ्लोर वन एंड हाफ़ टेबल स्पून ये है ऑयस्टर सॉस इसकी हम ये सॉस तैयार कर रहे हैं और थ्री टेबल स्पून इसमें जाएगा ये है सोया सॉस और वन टेबल स्पून इसमें जाएगा सिरका इसको हम मिक्स कर लेंगे और स्पाइसेस में देख लेते हैं हमारे पास ये है वाइट पेपर हाफ़ टेबल स्पून वाइट पेपर जाएगी और एक पिंच हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और वन टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे शुगर तो जस्ट ये इंग्रेडिएंट्स है सिंपल से आपने इनको तो याद रखना है और थोड़ा सा इसमें ये सॉल्ट भी ऐड किया जा रहा है एज़ पर यूर टेस्ट ये आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं चिली पाउडर भी इसमें हाफ़ टेबल स्पून हम ऐड कर रहे हैं तो इन सब सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे हमने आज को बिल्कुल यहाँ पे बंद कर दिया हुआ था एक एक मिनट इनको यहाँ पे स्टर फ्राई करके और ऊपर से अपने इसको कवर कर देना है देन अपने सॉस ऑलरेडी पहले से तैयार करके कर रखनी है और फिर ये हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और वन एंड हाफ कप यहाँ पर मैं इसमें जो है यखनी है चिकन की ये ऐड कर रही हूँ और जैसे अपने इसको यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देना है और जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा इसमें चम्मच चला देंगे स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर और जो बाकी सॉसेस हैं हम आपने एज इट इज़ ही रखनी है तभी आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं इसी तरह मिल सकेंगे लास्ट भी एस पर योर टेस्ट आप चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे और साथ ही साथ एग फ्राइड राइस भी तैयार हो रहे हैं बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी तो यहाँ पे देखें फिर हमने इसको फोर टू तो फाइव मिनट्स के लिए जो है कवर करके रख देना है ताकि जो इसकी सॉस है और जो हमने अंदर चिकन स्टॉक डाली है वो भी अंदर अच्छे से वो जो है मिक्स हो जाए पक जाए इसका अच्छा फ्लेवर अरोमा इसके अंदर आ जाए तो इसको हमने फ़ोर टू तो फाइव मिनट्स के आफ्टर रेस्ट के बाद अब हम इसके में देखेंगे जो कि हमारे पास जो हमने एलमंड्स जो पेनट्स हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो भी हम इस स्टेज पे आके वो भी हम डाल देंगे देखें कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और मज़ीद ना इससे ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा थीन होने चाहिए तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़ेदार तो हार्डली इसको फोर टू तो फाइव मिनट्स के लिए और हम इसमें अपने पेनट्स डाल के कवर करके रख देंगे और यहाँ पे ये देखें और इसको मिक्स कर देंगे और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी तो यहाँ पर जो हमारा कुंग पाव जो हो गया है बनकर तैयार और ये इसको आप डिश आउट करें सर्व करें गैस को सर्व करें ख़ुद ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत पसंद करेंगे साथ ही साथ एग फ्राइड राइस भी बिल्कुल तैयार है तो जब मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ रेसिपी के रूप में पसंद है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा फिर हम ये एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़